यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो भी व्यक्ति हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और पल पल की अपडेट के लिए दोस्तों जुड़े रहिए। तो जैसा कि दोस्तों सभी को ज्ञात है कि शिक्षक बहाली हुआ या चाहे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ, इससे संबंधित दोस्तों कोई भी खबर आती है हम अपने चैनल के माध्यम से सीधे अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं। आज 2.7 लाख छात्रों का इंतज़ार था कि आज का फैसला जो था सिलेबस को लेकर जो होना था उसका आखिरकार क्या कुछ हुआ पटना हाई कोर्ट में। और जैसा कि हमारी यहाँ पे देखिए आलोक श्रीवास्तव सर से भी जो भी उनके कमेंट आते हैं, जो भी उनके मैसेज आते हैं या जो भी वो ऑडियो यहाँ पे ग्रुप में डालते हैं हम सीधे कोशिश करते हैं कि आप तक पहुँचाएँ, क्योंकि एसटीटी रिजल्ट को लेकर एक पहले व्यक्ति हैं वो जो कि सराहनीय काम कर रहे हैं हम सभी के लिए। वो दुर्भाग्य है कि हमारा रिजल्ट किसी न किसी कारण फंस जाता है, वो हम लोगों का दुर्भाग्य है। लेकिन अगर हम बात करें आलोक सर की तो आलोक सर जो हैं हमेशा छात्रों के पक्ष में रहते हैं और हमेशा उनकी एक ही मंशा होती है कि जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जो है वो जारी किया जाए। तो ऐसे में देखिए पटना हाई कोर्ट से 2.7 लाख छात्रों के लिए मैं एक बड़ी खबर लेके आया हूँ दोस्तों कि आज की सुनवाई जो है वो लेट हो जाने के कारण, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 बजे का समय दिया गया था और कहा गया था कि 2 बजे जो है इसकी सुनवाई होगी, लेकिन किसी कारणवश अधिक सारे जो सिविल मैटर थे और कई सारे जो सुनवाइयाँ थी वो हो जाने के कारण, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारे एडवोकेट को अन्य केसों को सुनने जाना पड़ सकता है और इसी के कारण जो हमारे एडवोकेट हैं वो लेट पहुंचे और इसका परिणाम ये निकला दोस्तों कि हमारी सुनवाई जो है वो टल गई। और देखिए अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब हमें जो है नेक्स्ट डेट मिल चुकी है, केस नंबर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट डिस्पोजल डेट, और आप देखिए CWJC इधर देख सकते हैं आप, आदित्य प्रकाश PS द स्टेट ऑफ बिहार, और पार्टी नेम देख सकते हैं यहाँ पे आदित्य प्रकाश लिखा गया है, CWJC 85/20/2020 और 18 तारीख की जो डेट है दोस्तों वो हमें मिल चुकी है। आप देख सकते हैं 18 फरवरी को इस केस की जो है दोस्तों वो सुनवाई होनी है और इसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है वो आगे बढ़ा दी गई है। तो जैसा कि दोस्तों सभी लोगों को एक लंबा इंतज़ार था कि जल्द से जल्द जो हमारा रिजल्ट है वो हमारे हाथ में आ जाए और आज जो है वो निर्णायक फैसला आए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमारे जो एडवोकेट हैं वो अन्य केस की सुनवाई में बिजी थे और उनके व्यस्त हो जाने के कारण ही हमारे केस की जो है दोस्तों वो सुनवाई जो है वो किसी कारणवश जो है वो नहीं हो पाई। और अब मेरा यही कहना होगा सभी से कि भाई नेक्स्ट डेट का इंतज़ार करें, धैर्य बना के रखें। रिटायर्ड शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान हैं, तो प्लीज़ इस प्रकार से आप परेशान मत होइए, धैर्य का फल मीठा होता है और जल्द से जल्द कुछ अच्छी खबर हमारे लिए निकल के आएगी। तो अब हमें देखिए जो है नेक्स्ट डेट मिल चुकी है और जैसा कि देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं कि ग्रुप में भी कई सारे अभ्यर्थियों के ये मैसेज हैं, सुनवाई हो ये मांग है सभी की, और इस तरीके से अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि हाई कोर्ट में ब्लाइंड वाला केस 28 नंबर पर देखिए लिस्टेड हुआ है, तो ब्लाइंड वाला केस भी चल रहा है, बहुत सारे केस जो है पटना हाई कोर्ट में दोस्तों चल रहे हैं, ठीक है। वहीं देखिए दोस्तों रिटायर्ड शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का भी अब देखिए घोर विरोध जो है वो होने लगा है, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है रिटायर्ड शिक्षकों का हाई स्कूल में नियुक्ति का जो है वो घोर विरोध चल रहा है। तो हाई स्कूल में रिटायर्ड शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को लेकर भी एक बड़ा आंदोलन जो है वो चल रहा है। बिहार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में जो भी रिटायर्ड शिक्षक प्रतिनियुक्त किए गए हैं उनके खिलाफ जो है अब कहीं ना कहीं एसटीटी छात्र जो है वो आंदोलन की तैयारी पे हैं। बिहार के सरकारी माध्यमिक देख सकते हैं व उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिटायर्ड शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति से काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी आहत हुए हैं। और देखिए लिखा है छात्र संघ समिति के विरोध किया है, समिति के प्रदेश दीपांकर गौरव ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 36,000 से अधिक रिक्तियों के विरुद्ध ये परीक्षा कराई थी, देख सकते हैं आप।
तो जल्द से जल्द अभ्यर्थी चाहते हैं कि एक बड़ा आंदोलन हो। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।